दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विकास चौली, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड लाइफ कोच। आई हैव डन एमए इन रिलीजन फ्रॉम गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। आज मैं आपके साथ विंग कमांडर अभिनंदन जी के बारे में बात करूंगा। जिन्होंने बहुत ही बहादुरी का परिचय दिया और हमारे देश में एक बड़े नुकसान को होने से रोक दिया। और देखो, उनकी धरती पर गए, पाकिस्तान की धरती पर, और दो से तीन दिनों में ही वापस भी आ गए। विद रिस्पेक्ट, और हम सोच रहे हैं पॉलिटिशियंस की वजह से आ गए। हर कोई इसका श्रेय लेना चाहता है कि हमने वार्ता की, हमने प्रेशर बनाया। बट दोस्तों, एक राज की बात बताऊं, मुझे तो इसमें परमात्मा का ही कोई चमत्कार लगता है। गुरबानी की लाइनें याद आ गई मुझे इस वाक्य को देखकर। प्रभ पावे बिन सास ते राखै। भाव, परमात्मा चाहे तो किसी व्यक्ति को बिना श्वास के भी रख सकता है। परमात्मा के लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। परमात्मा की कृपा साफ नजर आ रही है। श्री गुरु हरि कृष्ण पातशाह जी ने भी गूंगे से वेद पढ़वा दिए थे। कुछ भी कर सकते हैं मेरे प्रभु, और आज मुझे साक्षात दिखाई दे रहा है उनकी कृपा। जिस प्रकार से अभिनंदन जी का सारा वाक्य हुआ है, कैसे उनका बचाना और फिर पाकिस्तान की धरती में चले जाना और दो से तीन दिनों में वापस आ जाना सही सलामत, पूरी पूरी कृपा नजर आ रही है। हमें सभी को भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे विंग कमांडर अभिनंदन सर वापस आ गए। जरूर उनकी फैमिली या वो भक्ति वाले होंगे, बहुत ही तपस्या होगी उनकी। जिस प्रकार सत्यवान को उनकी पत्नी सवित्री ने यमराज से छुड़वा लिया था, इसी प्रकार उनकी फैमिली ने भी अभिनंदन सर को अपनी भक्ति से, अपनी पावर से, अपने प्रेम से वापस बुला लिया। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। अभिनंदन सर को सलाम, उनकी फैमिली को सलाम। जय हिंद, जय भारत।